छोड़ा तुमने, रह गई प्यास भी, जलता दिया भी थोड़ा, बुझ गई आस भी। साफ करी रब्बा मैनु माफ करी। जी अगर घर में यार कितना अच्छा घर है, रोशनी भी अच्छी आ रही है, हवा भी बहुत अच्छी आ रही है ना, वेरी नाइस। बस अब ये घर ना खुद ही जल्दी से सेट हो जाए, कितना मजा आएगा ना। खुद कैसे सेट होगा, हमें मिलकर सेट करना होगा। मामा कितना प्यारा घर है। यू लाइक इट? यस। कैन आई गो ओवर देयर? यस यस गो गो गो। प्लीज कुछ काम कर लो यार। हाँ हाँ कर रही हूँ कर रही हूँ। नहीं करोगी हेल्प में? ये देखो कर तो रही हूं। कमरे में लग रही हूं ना हीरोइन। वेल डन फातेह, हमारी प्लानिंग मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सर। आई होप कि हम इसको टाइम से पहले कंप्लीट कर सकेंगे। सर श्योर, अगर बस काम ना रुका किसी भी हवाले से तो हम इसे बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। जी जान। आप बच्चों ने लंच कर लिया? बच्चों ने लंच कर लिया, मैं तो साइड पर हूँ। मैं भूल गया कि बच्चों को आज मुझे पिक करना था। फाते बच्चे अभी तक स्कूल में? मैंने कहा था ना याद रखना। आई एम सॉरी, कहा ना, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बस। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, घर जाओ और बच्चों के लिए रास्ते से कुछ खाने के लिए ले लेना, वो भूखे होंगे बेचारे। मैं उन्हें पिक करती हूँ। ओके बाय। जोया बेटा क्या कर रही हो कमरे में? वो कब से बेचारा खड़ा बाहर इंतजार कर रहा है, उसे सामान ले लो जाके। आ रही हूँ अम्मी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपके? बहुत शुक्रिया। अम्मा, ये हमारे पड़ोस में कोई नई फैमिली आई है। वैसे तो तुम्हें सारे मोहल्ले की खबर होती है, इस बात का पता नहीं चला? नहीं ना, मैंने देखा ही नहीं किसी को आते जाते। हाँ, तो नए नए शिफ्ट हुए हैं अभी। मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, बच्चे सारा दिन स्कूल होते हैं, देखोगी कैसे। वैसे तो अच्छा नहीं होगा, हमारे पड़ोस में फैमिली आ गई है। मैं जाऊंगी किसी दिन मिलने के लिए। कोई जरूरत नहीं है जाने की, फासला रखना अच्छा होता है। और इधर देखना जरा, ये किस खुशी में इतना मेकअप किया हुआ है? मेरा दिल कर रहा था, कर लिया मेकअप। चल जाओ, फौरन मुंह धो के आओ। अम्मी मैं नहीं जा रही, मैं चाय में बिस्किट डुबो के खा। समझ ही नहीं आता, समझा समझा के मैं थक गई इस लड़की को। भाई मम्मा कब आएंगी, इतनी देर हो गई है। भाई मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। मम्मा बस अभी आती होंगी। अरे वो देखो मम्मा आ गई। I'm so sorry, मैं लेट हो गई। मुझे भूख लग रही थी। बस अभी खाना खाते हैं। मामा आप रोज रोज लेट हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। मामा आप हमेशा इतना देर लगाती हैं। नहीं नहीं बेटा, आइंदा नहीं होगी देर, बैठो। I'm so sorry, बेटा। चल, let's go. Let's go, let's go, let's go. आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी? जी वो मैं सामने वाले घर से आई हूँ। मेरा नाम जोया है। जी, आइए अंदर आइए। हाँ, कितना खूबसूरत घर है, पर कितना बड़ा। जी। बच्चों का कमरा कितना प्यारा सेट हुआ है। जी। सीढ़ियाँ कितनी प्यारी है, खिड़की भी इतनी बड़ी है। जी। किराया तो बहुत ज्यादा होगा। जी जी वो मैं बिरयानी लेके आई थी। जी शुक्रिया, वैसे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी, हम से आए आप हमारे, हक बनता है हमारा। अच्छी। बस किसी दिन आए ना हमारे घर। जी फैमिली को लेके। जोया, माय वाइफ जीनिया, और जीनिया ये हमारी पड़ोसन है जोया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप भाभी? बच्चे आपके कितने प्यारे हैं, किसी दिन आए ना इनको हमारे घर लेके। मैं सामने वाले घर में ही रहती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। जरूर। चलें जी, अब मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कितनी बातें करती है क्या ये? हाँ ये पड़ोसन, और ये देखो बिरयानी लेकर आई है। That's nice of her. चलो जाओ जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करो। सॉरी। लैंप ऑन करके देखें। जीनी लैंप ऑन हो गया फाइनली। शुक्र। यार फाइनली आज घर की सारी सेटिंग हो गई है, मैं तो बहुत थक गई हूँ यार। हमेशा की तरह सारे काम मैं करता हूँ और थक तुम गई हो, क्या हो गया यार? तुम बैठ के आराम करती हो क्या? मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि जो सफाइयाँ शफाइयाँ और घर के काम है ना, ये नहीं होते मुझसे। खाना जितनी बार मर्जी बनवा लो, शादी से पहले बताया था मैंने तुम्हें। हाँ भाई। यार वो लड़की कौन थी जो आई थी, क्या नाम है उसका, उससे ना कहीं थोड़ी हेल्प करवा दिया करे। कौन वो जोया? यार वो नेबर है, हम नए शिफ्ट हुए हैं, क्या सोचेगी हमारे बारे में? वाह बड़ा नाम याद है, जोया। एक्सक्यूज मी, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, याद रहती है मुझे बात। जी अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, इतने बड़े फ्लर्ट हुआ करते थे ना तुम कॉलेज में, सारी लड़कियों का नाम याद था तुम्हें। ओ हेलो,
कॉलेज की लड़कियों को मेरा नाम याद था, मरती थी मुझ पर, और मैंने शादी की तुमसे। सीनी, मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा और इंतजार करता ना, कोई बहुत ही अच्छी लड़की मुझे बहुत आराम से मिल सकती थी। क्या कर रही हो तशद्दुद, वो भी शौहर पर, बिल्कुल अपने अब्बू पे गई हो तुम। जीनी सॉरी, वो यूं ही अनइंटेंशनली मुंह से निकल गया। इट्स ओके। जीनी कहा ना सॉरी, आइंदा नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की, लेकिन कुछ रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं, कोशिश के बावजूद भूले नहीं जा सकते। सीन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुम भी गवाह हो ना कि हमने हर मुमकिन कोशिश की थी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन कुछ लोग अपनी अना के गुलाम होते हैं कि अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं समझते। उनके लिए ये रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। मैंने सुना था वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी मैंने भूल नहीं पाई। जो लम्हे तकलीफ पहुंचाए उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है, तो तुम भी भूल जाओ और आगे बढ़ो। जिंदगी भर ये रोक तो नहीं पालोगी। जिंदगी में जो लोग नहीं है उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। अच्छा चलो, बच्चों से बोलते हैं रेडी हो जाए, हम डिनर बाहर करेंगे। नहीं, डिनर बाहर करेंगे, ओके? अगर तुमने फिर से वही मिलने की जिद की तो मैं फोन रख रही हूँ जैन। अच्छा बाबा, नहीं करता। एक तो तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाती हो। मैं लड़कियों में रात को नहीं निकल सकती। ठीक है, पर ये तो बता दो कि मिल कब रही हो। किसी दिन में आऊंगी, लेकिन किसी अच्छी जगह खाना खिलाना पड़ेगा, याद रखना। जोया, जोया बेटा कहाँ हो? आ रही हूँ अम्मी। ओके बाय। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यूं सच सवर के टेरेस पे मत जाया करो। जाओ मेरे लिए रोटी पका दो, भूख लग रही है मुझे। अम्मी पहले मैं अपना फेवरेट ड्रामा देखूंगी, उसके बाद आपकी रोटी डालूंगी। कितने बुरे शौक है ना तुम्हारे जोया। अम्मी क्या बुरे शौक है, चार ही तो शौक है मेरे, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना पीना, सजना संवरना और एक अमीर लड़के से शादी करना। जिस लड़के से मैं शादी करूंगी ना, या तो उसकी कंपनी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, या किसी लशपश कंपनी में ना लशपश सी जॉब होनी चाहिए। कॉफी? थैंक यू। हाँ फाते, हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल, हर वक्त बस ऑफिस ऑफिस ऑफिस। चुप क्यों, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, बस बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ।
हम उन्हें टाइम नहीं दे रहे। अरे बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? हफ्ते में जो दो दिन की छुट्टी हमें होती है हम उन्हीं के साथ तो गुजारते हैं। और बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि मामा पापा जॉब करते हैं। वो फील कर रहे हैं ये सारी बातें। कितनी दफा हुआ है जीने के हम स्कूल से चार चार बजे उन्हें घर लेकर आ रहे हैं। घर की हालत देखिए, लगता है महीनों से सफाई नहीं हुई है। जीनी हम कोई मेड रख लेते हैं या फिर हम में से किसी एक को जॉब छोड़नी पड़ेगी। जॉब छोड़नी पड़ेगी? किस किस्म की फजूल बातें सोच रहे हो तुम? तुम ये जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, ये बहुत अच्छी जॉब है। वैसे भी तुम दो महीने से ऊपर किसी जॉब पे टिकते नहीं हो, ये मत छोड़ना प्लीज। घर का सारा खर्चा ऊपर नीचे हो जाएगा। घर का रेंट है, बच्चों की स्कूल की फी है, ग्रोसरी, गाड़ी का खर्चा, 100 खर्चे हैं यार। एक नया हेडेक नहीं पाल सकती हूँ मैं, और मेड्स उनका उनका मुझे कोई एतबार नहीं है। सिनी कम ऑन, जरूरी थोड़ी है कि हर मेड एक जैसी हो यार। बच्चों के बारे में सोचो, उन्हें टाइम चाहिए हमारा। देखो फातिब, अभी सिस्टम जैसा चल रहा है ना, प्लीज उसे वैसा चलने दो, उसे मत छेड़ो अभी। बाकी अल्लाह मालिक है, जिस तरह की जिंदगी है हमारी, उसके लिए ये कीमत कोई इतनी बड़ी तो नहीं है। और बच्चे समझदार हैं, बहुत कुछ समझते हैं। सिनी हमें समझना पड़ेगी ये सारी बात। परमानेंट हल निकालना जरूरी है। मेड रखनी होगी या जॉब छोड़नी होगी, तुम्हें या मुझे? नहीं समझोगे बिल्कुल भी। सिनी प्लीज मेरी बात को समझो। जी हाँ हो भाई, हाँ बैठिए कमरे में। हाय अल्लाह, कहाँ गई थी? अरे वो शकीला की तरफ गई थी, इतने दिनों से आई नहीं तो सोचा देखाऊं जिंदा भी है या गुजर गई। मुझे तो लगा था कि आप पड़ोसियों के घर गई हैं। हाँ सोचा पहले जाऊं, फिर ये सोच कर नहीं गई कि पता नहीं उनको अच्छा लगे या नहीं। नहीं नहीं अम्मा, इतने मिलनसार लोग हैं और फाते तो इतना डैशिंग है, लेकिन बीवी को देख के ना दिल टूट गया। इतनी मामूली सी शक्ल की है। बस कर जाओ, अब इतना भी खूबसूरत नहीं है। तीन बच्चों का बाप है वो, और बीवी भी अच्छी खासी है भाई। तो क्या तीन बच्चों का बाप हैंडसम नहीं हो सकता? बीवी को तो देखें, मुझे तो ना जबरदस्ती की शादी लग रही है, या फिर बीवी ने ब्लैकमेल करके फंसा लिया होगा। मुझे खुद बताएं अम्मा, मुझ जैसी खूबसूरत हसील जमील लड़की साथ खड़ी हो तो जोड़ी समझ आए ना। अब बताओ भला, कहीं से अच्छी लगती है? मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अच्छा चुप कर जाओ, ज्यादा नहीं बोलो, जाके मेरी चाय बना के लाओ, सर दर्द से फटा जा रहा है। और ये फजूल बातें ना अपने दिमाग से निकाल दो तुम। और हाँ, वो शकीला आएगी परसों एक फैमिली को लेके, बता रही थी बड़े अच्छे लोग हैं, लड़की की अपनी परचून की दुकान है। क्या? मैंने कहा है ना कि मैं गरीबों में शादी नहीं करूंगी, लड़के की परचून की दुकान है। सारी जिंदगी मुझे रेट और महंगाई का बता बता के मेरा दिमाग चाटता रहेगा। जोया अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अच्छे वक्तों में तुम्हारे अब्बा ने अगर ये घर और कुछ प्रॉपर्टी ना ली होती तो आज दोनों माँ बेटियां भूखी मर रही होती। अम्मी अब इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे, लाखों में नहीं हजारों में तो खेल ही रहे ना। और जिस दिन एक अच्छे पढ़े लिखे जॉब वाले लड़के का रिश्ता आ गया ना, मैं शादी कर लूंगी। कितनी दफा कह चुकी हूँ, बीए क्या स्टैंडर्ड है मेरा। सोया मेरे बच्चे, रिश्ता हमेशा वो अच्छा होता है जो अपने कद के बराबर के लोगों में हो। कद से बड़े लोगों के लिए दरवाजे भी बड़े करने पड़ते हैं। और आप ये चाहती हैं कि सारी जिंदगी में घुट-घुट के मर जाऊं? कभी मेरी अच्छी जिंदगी के लिए दुआ भी नहीं की है आपने। सोया या अल्लाह, क्या करूं मैं इस बच्ची का, खाबों की दुनिया से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। Let's go. आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हेलो मैडम, एक अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई है। यार मैं अभी तो घर पहुंची हूँ, मीटिंग बहुत जरूरी है क्या? आपको फौरन ऑफिस आना होगा, बॉस के कहने पर आपको कॉल की है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ रही हूँ आ रही हूँ। नहीं मामा, मुझे सैंडविच बना के दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मामा मुझे सैंडविच दे करो, मुझे नूडल्स खाने हैं। बेटा मुझे ऑफिस से कॉल आ गई है, मुझे बहुत जल्दी में वहां जाना है।
किचन में चिप्स और बिस्किट्स पड़े हैं, फिलहाल वो खा लो, मैं वापस आके अच्छा सा खाना बना के दूंगी। नहीं मामा, हमने प्रॉमिस किया था पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगी। मैं संडे प्रॉमिस संडे को पूरा दिन स्पेंड करूंगी, ठीक है? मम्मा आपके प्रॉमिस झूठे होते हैं। हारिस बेटा, बहन भाई को कपड़े चेंज करा देना और इनको खिला भी देना, ठीक है? दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, मैं जल्दी से आ रही हूँ। आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी। भैया जल्दी से मैं नूडल्स बनाना। अरे आगे बस आ गए, तब तक मैं उसको दान भैया को दे के आती हूँ। ये ले भैया, ये लो मेरा। वाओ आगे भैया मेरा दूध। थैंक यू भैया। दूध भी ना, ओ मैं दूध लाता हूँ। सब क्या किया हुआ तुम लोगों ने? जीनी, जीनी वो घर पर नहीं है, वो ऑफिस चली गई। चली गई? तो क्या हाल किया हुआ तुम लोगों ने? किचन का जरा देखो तो सही, सब गंदा किया हुआ है। वो सर मैं लोगों को भूख लग रही थी, मीरा और दाइम को। तो बेटा थोड़ा वेट कर लेते, मामा आके बना देती। अस्सलाम वालेकुम। ये किचन की क्या हालत बनी हुई है? वो हारिस ने छोटे को कुछ बना के दिया था तो तभी गंदा हो गया। बच्चों ये क्या किया आप लोगों ने? जीनिया भाभी कहाँ है? उनकी मामा को वो इमरजेंसी कॉल आ गई थी ऑफिस से, तो वो चले गए। बच्चों को इससे अकेले कौन छोड़ के जाता है? अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो? इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, मैं भी सरप्राइज हूँ। इसे छोड़ के कभी नहीं गई है जीनिया। ये नूडल सैंडविच किसने बना के दिए? जो एंडी वो इन लोगों को सैंडविच और नूडल बना के दे रहा था। आपने कुछ खाया है? नहीं नहीं जी। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, उसको छोड़ो मैं सफाई करूँ। अरे रहने दीजिए, मैं ये कर लूंगा साफ, आप प्लीज जहमत मत कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने घर पे भी करती रहती हूँ। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। कह रहा हूँ प्लीज रहने दीजिए, नहीं करेंगे। मैं कर रही हूँ। हाँ जो सैंपल्स मैंने भेजे हैं ना, उनको चेक करवा के फौरन मुझे वापस भेजो ताकि मैं उसको आगे रिपोर्ट करूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं करती हूँ। हाँ जल्दी भेजो। हेलो, कहाँ हो यार जीनी? तुम ये बच्चों को अकेले छोड़ के क्यों चली गई? मैंने कहा था ना मैं लेट हो जाऊंगा। आई एम सो सॉरी, इमरजेंसी आ गई थी, मुझे ऑफिस आना पड़ा, मैं मीटिंग में ही थी। तो यार मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं ही जल्दी घर आ जाता। मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। जीनी तुमने घर की हालत देखी नहीं है यार, नीचे बच्चों ने पहले दूध गिरा दिया किचन में, फिर उसकी सफाई में सब कुछ गंदा कर दिया, यहाँ तक कि रूम तक सेट नहीं। तुम बच्चों को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन क्या करती, मीटिंग आ गई थी बहुत इंपॉर्टेंट। जीनी मीटिंग कैंसिल हो सकती थी। नहीं कर सकती थी कैंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तुम्हारे लिए घर और बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ना कि ये तुम्हारी मीटिंग। सफाते प्लीज लड़ो तो नहीं ना अभी मुझसे, बच्चे भूखे होंगे, प्लीज उन्हें कुछ बना के खिला दो, मैं अभी आ नहीं सकती, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। जोया आई है घर पे, देरी है बच्चों को खाना बना। हाँ तो उसे कहो कुछ थोड़ा सा तुम्हें भी बनाते। जीनी कैसी बच्चों जैसी बातें करी, वो नौकर नहीं है हमारी। अरे अच्छी लड़की है वो, इतनी हेल्पफुल है, बनाते कि तुम्हें कुछ। एक सेकंड फाते, फाते एक सेकंड। हेलो मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा फाते मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज बच्चों का ध्यान रखना। ओके ओके।
आपकी चाय। अरे रहने देती, मैंने मना किया था आपको। और मैंने भी आपसे कहा था कि कोई बात नहीं। शुक्रिया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे रहने दीजिए। अरे आप रहने दें, मैं तो वैसे भी घर पे जब बेतरतीबी देखती हूँ, सफाई सुथराई नहीं देखती, तो मुझे बेचैनी सी होने लग जाती है। बल्कि मुझे क्या, किसी भी औरत को बेचैनी हो जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि ज़ीनिया भाभी को भी बेचैनी हो जाती होगी। जी हाँ, वो बस ऑफिस से फोन आ गया उसे तो वो चले गई, वरना बच्चों के साथ ही होती है। सही बात है, हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन एक बात बोलूं, घर पे इस तरह बच्चों को अकेला छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कल को कुछ भी अनहोनी हो जाए, सारी जिंदगी के लिए पछताना पड़ जाएगा। एक्चुअली ज़ीनी अपने करियर को लेकर बहुत पोजेसिव है, इसी वजह से। तो आप उनसे बात करके देखें। और वैसे भी करना ही क्या है, थोड़ी बहुत घर पे तवज्जो ही तो देनी है ना। जॉब के साथ साथ घर पे भी तवज्जो दें, इसमें क्या बड़ी बात है। जी ठीक कह रही हैं आप, ज़ीनी से बात करूंगा मैं। खैर ये सारी बातें मेरे करने वाली है नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कितना ज्यादा बोलती हूँ। ये आपकी जाती जिंदगी है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। जोया जी, चाय अच्छी बनाई आपने। शुक्रिया। यार कि मैं ऐसे ही हूं, लेकिन तुम इस तरह बच्चों की तरफ से गाफिल होगी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अल्लाह ना करे बच्चों को कुछ हो फाते। और मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, आइंदा नहीं होगा ऐसे। प्लीज मूड तो अच्छा कर लो। मूड ठीक है मेरा, हम में से किसी एक को जॉब छोड़ देनी चाहिए। मैं छोड़ दूं या तो फिर तुम छोड़ दो। फाते कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसा सोचना भी नहीं। हम पहले भी तो मैनेज कर रहे थे ना, आगे भी हो जाएगा मैनेज। ज़ीनिया किस तरह मैनेज होगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें हमारी तवज्जो की जरूरत है।
इस घर के लिए, बच्चों के लिए, तुम्हें या मुझे, किसी एक को घर पे होना बहुत जरूरी है। फाते, तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों कमाते हैं तो ये घर चलता है। अब तुम मुझे खुद बताओ, इन सहूलतों, इन आसाइशों के बगैर गुजारा हो जाएगा क्या? बच्चों के फ्यूचर के लिए भी जरूरी है कि हम दोनों काम करते रहें। देखो फाते, मुझे मेरा करियर बहुत अजीज है, मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, इसलिए प्लीज मुझे जॉब छोड़ने का मत कहना, और तुम भी ये जॉब नहीं छोड़ना जब तक हम अपना घर नहीं बना लेते। जीनिया भाभी आप अंदर आए ना। बस देर हो रही है, थोड़ी ऑफिस जा रही थी मैं, मुझे कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, तुमने बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की क्या बात है, और आप मेरी बड़ी बहनों जैसी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं जोया, तुम खुद बहुत अच्छी हो, वरना कौन करता है किसी के लिए इतना। फाते भी बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। फाते मेरी तारीफ कर रहे थे? मेरी तरफ से भी उनको शुक्रिया कीजिएगा। जरूर कह दूंगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आप इतनी फॉर्मल नहीं हो ना, अंदर आए। अरे नहीं नहीं, देर हो रही है मुझे, वरना तुम्हारी चाय तो जरूर पी कर जाती। फाते बता रहा था तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। हाँ मैंने उन्हें कल चाय पिलाई थी, आप भी आए ना, आपको भी चाय पिलाती हूँ। बस बाद में आऊंगी, अभी ऑफिस जा रही हूँ। हेलो, आप फाते साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आप जल्दी स्कूल आ जाएं, आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। अरे अस्सलाम वालेकुम शकीला आंटी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, कहाँ जा रही हो? मैं तो बाजार जा रही थी कुछ चीजें लेने के लिए। बाद में चली जाना। क्यों? ये लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए ना बेटा। अम्मी मैंने आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जोया, अभी जाके चाय लेके आओ। हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। शकीला आंटी आप इनको वापस ले जाएं, हमें शादी नहीं करनी है। शुक्र करो नाकदरी लड़की, तुम्हारे रिश्ते आ रहे हैं, जाकर पूछो उन लड़कियों से जो घरों में बैठे उम्र गुजर गई उनकी रिश्तों के इंतजार में। मुझे शादी करनी होगी, मैं अपनी मर्जी से कर लूंगी, किसी पढ़े लिखे लड़के से, अमीर लड़के से। अम्मी मैं बीए पास हूँ, कुछ स्टैंडर्ड है मेरा। शकीला तुमने इस लड़की का बताया था? चुपचाप रहती है, बड़ों की इज्जत करती है, फरमा बरदार है, हैं? ये तो बड़ी बदलिहाज है। यहाँ पढ़े लिखो की कोई कदर नहीं, और डिग्रियां भी आग तापने के काम आ रही हैं आजकल। ये जो तुम अच्छे घर और अपनी मर्जी की बात कर रही हो ना, जैसे तुम्हारे लक्षण है और तुम्हारी गजबड़ लंबी जबान है, कोई पूछेगा भी नहीं। यार आप तो मेरे सर पे ही चढ़ी जा रही है, मैंने कहा कि रिश्ता लेकर आए, और मेरे लक्षण और मेरी गजबड़ जबान तो दिख गई, अपने आप को देखा है? दूसरों की आंखों का कोना दिख जाता, अपनी आंखें शक्ति नहीं दिखता। सोया जा रही हूँ मैं। आ गए भाई बाबा, आ गए दाएं आपके लिए। पापा देखो क्या बना कर लाए बाबा ने आपके लिए। पोरिश बनाया, आप ये खाइए। बिस्मिल्लाह। नहीं पापा मुझे पोरिश नहीं खाना, मुझे सूप पीना है। सूप? बेटा सूप तो घर में नहीं है, मम्मा आएंगी ना वो आपके लिए बना देगी, आप ये तो खाइए। नहीं पापा मुझे अभी पीना है। बेटा सूप? अच्छा चले आपको सूप पीना है तो बाबा आपके लिए सूप लेकर आते हैं। के? हारिस बहन का क्या है? और आ तंग नहीं करना। ओके बाबा। मैं बस क्यों किया, क्यों जोया, जोया
ओह लड़की ये तो निकालो कानों से। क्या हुआ? दरवाजे पे देखो कौन धड़धड़ा रहा है। जाओ कौन आ गया पता नहीं। क्या हो गया है? रो क्यों रहे हो? वो पता नहीं डायम को क्या हो गया। आप आके देखे ना। डायम डायम भैया क्या हुआ? डायम भैया डायम भैया डायम भैया आपको क्या हुआ? डायम भैया डायम भैया डायम भैया डायम भैया क्या हुआ? डायम भैया जो आंटी देखे ना डायम को क्या हुआ है? डायम भैया डायम भैया डायम भैया बाबा कहाँ हैं आपके? डायम को सूट पहना था बाबा शोर तक गए। डायम इसको तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हाँ हारिस क्या डायम डायम फाते फाते क्या हुआ डायम को? मुझे नहीं पता क्यों होश में नहीं आ रहे। डायम डायम बेटा डायम